नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम टेक्नो में। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे आप फोर्सफुल्ली 5G को इनेबल कर सकते हैं और आप कॉलिंग के टाइम में भी आप 5G का मज़ा ले सकते हैं, 5G इंटरनेट को यूज कर पाएंगे कॉलिंग के टाइम में भी। और आप यदि 4G में परेशान हो जाते हैं कि आपके एरिया में सपोज 5G है बट आपका फ़ोन बार बार 4G पकड़ लेता है, तो आज इस समस्या का भी सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों। तो आज वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। मैं इसी तरह के वीडियो को लाता रहता हूँ। मेरे चैनल के अंदर में एक प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों टेक वीडियो की, उसमें मैं मोबाइल इंटरनेट और लैपटॉप के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। आप इसको ज़रूर वॉच करेंगे दोस्तों चैनल पे जा कर के। तो आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे दोस्तों कि बार बार 4G पकड़ जाता था। अभी जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 5G पकड़ा हुआ है, लेकिन हम परेशान हो गए थे, बार बार 4G पकड़ जाता था, जिसकी वजह से हम जब तत्काल टिकट रेलवे की बुक करते थे तो दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नेट की स्पीड उसमें 4G में अब काफ़ी स्लो हो गई है। आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, यदि आप 5G के एरिया के रहने वाले हैं तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। जब से 5G आई है, 4G की स्पीड हमको तो पर्सनली थोड़ी सी कम स्पीड मिल रही पा रही है। शायद आपको भी ऐसा हो रहा होगा, कमेंट में आप बताइएगा कि स्पीड कितनी आ रही है आपका 4G की और 5G की भी कितनी आ रही है, आप इस चीज़ को कमेंट में बताइएगा। मैंने स्पीड टेस्ट कर रखा है दोस्तों, मैं अभी लखनऊ का स्पीड टेस्ट, आपको वीडियो कई सारे मिल जाएंगे मेरे चैनल में, तो उसमें से आपको, मुझे तो जब 5G लॉन्च हुआ था तब 3 GBPS की स्पीड मिल जा रही थी, अभी तो फ़िलहाल 1 से 1.5 GBPS आपको स्पीड मिल जा रही है, हमेशा के लिए हमेशा मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को कमेंट में लिखेंगे। इसके अलावा यदि आप इस चीज़ को परेशान थे तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे दोस्तों। प्ले स्टोर में जाने के बाद में प्ले स्टोर चले जाएंगे दोस्तों। प्ले स्टोर में जाने के बाद में 5G ओनली सर्च कर लेंगे दोस्तों। 5G ओनली को फोर्सफुली एनेबल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, सॉरी सॉरी, इस एप्लीकेशन से बेटर ये वाला एप्लीकेशन था, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है फोर्स LTE ओनली 4G/5G। तो इस एप्लीकेशन की मदद से हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। मैं फ़िलहाल सैमसंग को उनका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप इनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे मेथड वन है, तो मेथड वन यदि आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 से नीचे है तो आप इस चीज़ को यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं दोस्तों। फ़िलहाल मेरा एंड्रॉयड वर्जन जो है 13 चल रहा है, तो ये वाला मेथड मेरे में काम नहीं करेगा दोस्तों। तो एंड्रॉयड 11 से ऊपर वाले को इस वाले में क्लिक करना होगा दोस्तों। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा दोस्तों। ओपन होने के बाद में आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इधर में कहीं आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में सबसे नीचे यहाँ पे सेट प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, यहाँ पे आप दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सेट प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, इसमें करके आप NR ओनली कर देंगे दोस्तों। NR ओनली कर देने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे मेरा नेटवर्क चला गया है, अभी वापस से फिर 5G का नेटवर्क पकड़ लिया है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ऑन कर लेंगे। एक चीज़ है कि आप इस चीज़ को दोस्तों, एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि आप जब भी 5G एरिया से जब 4G के एरिया में आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में अभी तक 5G तो अवेलेबल नहीं है, तो आप यदि 5G रेंज से यदि बाहर जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को वापस इसी में जा करके ऑटो मोड में कर लेंगे दोस्तों, या तो फिर यहाँ पे सेटिंग के अंदर में जा करके यहाँ पे आप 5G ओनली को हटा लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 5G ओनली का ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी हमने वहाँ से उस एप्लीकेशन से फोर्सफुली कर रखा है, तो इस कारण से यहाँ पे 5G ओनली लिख के आ रहा है। बट आपको यहाँ पे 5G ओनली का सेटिंग कहीं ऑप्शन से नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको जब भी 5G एरिया से बाहर यदि आप जा रहे हैं तो आप ऑटो मोड, ये फर्स्ट वाले मोड, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका नेटवर्क बाहर में भी
5G के अलावा भी रहेगा। फिर वापस यदि 5G के एरिया में आ चुके हैं, आपको वहीं पे रहना है, तो आप उस चीज़ को 5G ओनली कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और उसके ऊपर में कॉलिंग भी हो जाती है, 5G नेटवर्क पकड़े ही रहता है, जैसे नॉर्मली 4G कॉलिंग के टाइम पे पकड़ जाता है, बट ऐसा नहीं होता है इसको सेटिंग को इनेबल करने से। तो ये आज हमारी छोटी सी ट्रिक थी दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, ये चीज़ को आप कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी से हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।